हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक नया प्रसंग लेके आया हूँ। आज जिस प्रसंग पे बात करेंगे वो है कि कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारी चुगली करे, कोई हमारी आलोचना करे, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या अपना काम करते रहना चाहिए? ऐसी ही घटना अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के साथ घटी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के विरोधी अखबार जी खोलकर उनकी बुराई करते थे, लेकिन लिंकन अविचलित भाव से अपने काम में जुटे रहते। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे कहा, विरोधी लोग आपके खिलाफ उलझुल बातें अखबार में लिखवाते रहते हैं, उनकी बातों का प्रत्युत्तर आपको भी देना चाहिए। मित्र की बात सुनकर लिंकन मुस्कुराए हैं और बोले हैं, मित्र, यदि मैं आलोचनाओं पर ध्यान दूं और उनका उत्तर देने लगूं तो मेरा सारा दिन केवल इसी काम में चला जाएगा, और फिर जो मुझे काम करना है वो काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और इसके चलते मेरे कार्यकाल में कोई अन्य कार्य हो ही नहीं सकेगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, अपनी सारी योग्यता और शक्ति का उपयोग करते हुए पूरी ईमानदारी से अपना काम पूरा करना, वह मैं कर रहा हूँ और इस पद पर रहने की अंतिम घड़ियों तक करता ही रहूंगा। यदि मैं अंत में बुरा साबित होता हूँ तो मैं भले ही लाख सफाई देता रहूँ कि मैं सही हूँ, मेरा रास्ता सही था, कोई इस बात को नहीं सुनेगा। और यदि मैं अंत में भला सिद्ध होता हूँ तो मेरे विषय में जो प्रलाप किया जा रहा है वह निश्चित रूप से अनर्गल सिद्ध होगा। मुझे विरोधियों की ऐसी आलोचनाओं की न तो चिंता है और ना ही डर है। तो कहने का अभिप्राय, अगर आप कोई काम शिद्दत से अच्छा कर रहे हैं और आपको पता है कि देश के, समाज के, सबके भले के लिए है, तो आप वो काम करते जाइए। हो सकता है लोग आपकी आलोचना करें, तो करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप अपने काम में लगे रहिए। अगर आप उनके जवाब देने लगेंगे तो उनके जवाब देने के चक्कर में आपको जो काम करना है अब वो भी नहीं कर पाएंगे। तो लिंकन की ये बड़ी ही प्यारी कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो अपने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।